तुमने मुझे कहा कि पलक के साथ दो बच्चे हैं, विक्की के. पलक मूव्ड ऑन, क्या वो विक्रांत के बच्चे हैं? नो मॉम, नो प्लीज. मुझे पलक से तलाक चाहिए. शी इज कम बैक इन माई लाइफ, और वो रीवा का तलाक कराने पे तुली हुई. आई नीड टू गेट रिड ऑफ हर लीगली. मैं सोच रही थी कि नाइट आउट तेरे घर पे करें क्या. ओके, यस. वेन्यू चेंज हो गया है, नाउ इट्स एट पलक्स प्लेस. ये शादी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रिश्ता टूटता है तो मैं बहुत गंदे वाले गिल्ट ट्रिप पे जाने वाला हूँ. शिवा, तुम कुछ लोगी? डिवोर्स. बाबा योगी, तू रीवा को लेके ना गोवा जा. हाँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर उसके साथ. रीडिस्कवर, मैं यही करता हूँ सेतु के साथ. हाँ, बहुत अच्छा आइडिया. बट यू नो व्हाट, अगर मैं उसके साथ गोवा गया ना, शी विल थ्रो मी इन द सी. माइंड इट, मार देगी मेरे को. तो चाहता तेरा दोस्त मर जाए. ज़ुइम ब्रो, आई थिंक आपको ना उनके साथ एक फ्लैट लेके रहना चाहिए अकेले में. यू नो व्हाई, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डालो थोड़ी. मतलब अभी वो यहाँ पे इतनी पैम्पर्ड है, बेटी है, बहू है ही नहीं. तो पहले से बहू तो बनाओ, उसके बाद देखेंगे. पॉइंट है छोटू, छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है. हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सास भी कभी बहू थी? रियली? और तू रीवा को फ्लैट में रखेगा? मैं तुम्हें कूड़े के डब्बे में फेंक दूंगा. मैंने रीवा और अमन की एक ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी सोची. पार्टी? रीवा हैज टू एक्नॉलेज अमन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. सबके सामने जब अमन को एक्नॉलेज करेगी तो लोगों की दुआएं लगेंगी, सब ठीक हो जाएगा. रीवा, एक बात पूछूं? अगर तुम और अमन एक दूसरे से, तुम ये शादी कैसे? तुम पूछ रही हो ये? यू आर द रीजन फॉर इट ऑल. वॉटर, यू हैव हैड इनफ. ओह फॉर गॉड्स सेक, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन. अंगद भी ऐसे मेरी ड्रिंक्स काउंट करता था. Angad. Angad. My love, my life, Tam's real father. He was my kind, yaar. Mere type ka banda tha, wo same wavelength. Not some guy hired by my dad to be my husband. Maine bola bhi pata hai paako, that I wanna marry him. But tab tak tumne sab kaand kar diye the. Sab. Pata nahi, dad ki Angad se kya baat hui, kya nahi hui, mujhe kuch nahi pata, but he scared him away. और डैड ने मुझे आके बोला दैट ही इज अ गोल्ड डिगर जस्ट लाइक यू. जब मेरी शादी करने की बारी आई तो थैंक्स टू यू डैड इतने खड़ूस हो गए थे कि मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था. रिकी भाई की लाइफ तो तुमने वैसे ही बर्बाद कर दी थी. व्हाट वाज आई सपोज टू डू? व्हाट? आई हैड नो ऑप्शन. आई वाज फुल टाइम प्रेग्नेंट विद सैम एंड आई मैरिड अमन. तो होगा यार मुझसे प्यार, बट आई ओनली सी हिम एज अ फ्रेंड. क्या यार पलक, यार तुमने सबकी लगा दी यार. शिवा, तुमने सोचा है कभी अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो अंगद कभी वापस क्यों नहीं आया? उसने तुम्हें कांटेक्ट क्यों नहीं किया? उठवा लिया होगा उसे. They must have bought him. पर मुझे ना एक चांस मिलना चाहिए था, जैसे तुम्हें मिला पलक. You know, तुम्हें देख के लगता है कि you truly loved him. और अगर तुम अंगद से सच्चा प्यार नहीं करती होती तो अब तक तुम अमन के साथ एडजस्ट कर चुकी होती. करेक्ट. लेकिन अंगद को किसने रोका? उसने तुम्हें कभी कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? शायद वो कहीं किसी के साथ सेटल हो चुका है. No, he's not like you. वो नहीं करेगा ऐसे. Do you know where he is? No. तुमने कभी उसे ढूंढा नहीं, कॉन्टैक्ट नहीं किया? He just vanished. You know what? I'll find him for you. Because you need to know कि वो तुम्हें छोड़ के क्यों गया. पर तब तक तुम प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम अमन को डिवोर्स नहीं करोगी. What? No way. Not another day of that. That's not happening. No.
happening. All right, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो, but I promise you, मैं अंगद को तुमसे मिलवाऊंगी और तुम्हें खुद सच बताएगा. Am I drunk or you're genuinely helping me out? I will help you. बिना प्यार के शादी सिर्फ एक बोझ है. ऐसे रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं. इससे बेटर है कि वो रिश्ते खत्म हो जाए. अगर तुम अमन में अपना लाइफ पार्टनर नहीं देखती हो, उसके साथ खुश नहीं हो, तो अमन के सैक्रिफाइस का भी कोई फायदा नहीं है. ही शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम दिस रिलेशनशिप. श्योर दैट? चीयर्स टू दैट. चीयर अप अमन, रियली चीयर अप. मैं तेरी शादी टूटने नहीं दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट. आर यू सीरियस? शनाया का मैसेज है. Palak has advised Rivati to walk out of forced marriage. Let's go, yeah. My head is reeling. I'll be right back. I know, I can see that. Guys, can you? Hey, Palak di, aapki sari friends tally ho chuki hai. I'll have to go talk to them. In fact, I'm thinking मैं दिया जिया को लेते टाइम सेतु मैम की गाड़ी ले आया. Right, you should do that. Let's go now. Yeah, yeah, I'll be back. चलो. Yeah. Wasn't this a night out? हाँ, night भी हो गई और हम out भी हो गए. अच्छा, घर बहुत गंदा हो गया कल सुबह के. तू मुझे ये बता, तुझे अंगद के बारे में कुछ पता है? वो ही अंगद ना, जिसने रावण के दरबार पैर रखा था और कोई नहीं ला पाया था. वही है ना? एक काम करते हैं, कल बात कर, अभी तू जा. ओके, बाय. एक रीवा वाला अंगद, वो ही, उसके बारे में तो नहीं पूछ रही है? एग्जैक्टली. मेरी फैमिली को तोड़ने पर क्यों तुली हुई है तुम? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारी फैमिली को तोड़ने का. रीवा को क्या पढ़ती पढ़ाई है तुमने? क्या क्या सिखा के आई हो तुम उसे? क्या सिखाऊंगी मैं उसे? खुश नहीं है. खुश नहीं है तो तुम रीवा की शादी को लेके जहर खोल रही हो उसके दिमाग में. Had to be you, right? तुम्हारी आदत है ना सच ना सुनने की, ना समझने की. नहीं, असम्पशंस में रहते हो, स्टोरीज बना लेते हो और डिसाइड कर लेते हो कि किसको ब्लेम करना है. राइट, क्या सच है? बताओ. व्हाट एम आई अज्यूमिंग? ओह, आई एम सॉरी, आई एम एट फॉल्ट. इतना लेक्चर दे रही हो तुम, कुछ तो चाहिए होगा. बताओ कितने का चेक चाहिए तुम्हें? टेल मी, हाउ मच मनी डू यू नीड? यही सीखा है ना तुमने? ऑफ कोर्स, लोगों को पैसे से खरीदना, किसी को पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता. Oh, I'm sorry. पैसों के लिए अपने बॉस के साथ कौन सोता था? इनफैक्ट अगर मैंने ये सीख ही लिया होता तो मैं तुम्हें खरीद लेता. 6 साल के बाद मैं अपनी एक मनहूस शक्ल लेके वापस से शहर में आ गई. वेरी कन्वीनियंट, तुम्हारे ये दो बच्चे उन्हीं स्कूल में पढ़ते हैं जिनमें हमारे घर के बच्चे पढ़ते हैं. जो हमारा सर्कल है तुम उसी सर्कल में आती हो. और पूरी दिल्ली में तुम्हें सिर्फ रीवा मिलती है अपनी गंदगी फैलाने के लिए. हाँ, मैरिज काउंसलिंग दे रही हो तुम रीवा को. तुम जो एक बॉस के साथ शादी करती है दूसरे के साथ सोती है. रियली, यू थिंक आई एम अ स्टूपिड इडियट? हाँ, यू आर. इसे मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? छोड़ दो, दूर चली जाऊंगी. डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, ओके? मेरी फैमिली में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है. मेरी बात सुनो तुम. मैंने कहा मेरी फैमिली से दूर रहो, यू अंडरस्टैंड? प्लीज. हटो. ओ, ओ, क्या हुआ?
लोअर बैक. तुम्हारा लोअर बैक का पेन अभी तक नहीं गया? थोड़ा वेट कम कर लोगे तो ठीक हो जाएगा. हटो. पहले तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे वेट से तुम्हें. पहले मोटे नहीं थे ना तुम? मोटा नहीं हूं मैं. चल चल मसल. और तुम कौन सा कोई हूर की परी हो? हाँ मैं तो ये समझ में नहीं आता इतने लड़के पटाए कैसे तुमने. By the way, I always wanted to ask you, मेरे बाद कितने बॉसेस के साथ सोए हो तुम? 100, 150? More than that. And they were all hotter than me. Hello. Stretch कर. Sit straight and stretch. नहीं हो रहा. करो. कर रहा हूँ यार. Breathe in, breathe out. नाक से सांस लो और मुंह से निकालो. मुंह से सिर्फ गालियां निकलेंगी तुम्हारे लिए. होगी मां बहन की. क्या क्या कर रही हो तुम? ठीक है. लव हैंडल. नथिंग लव इन माय लाइफ. नथिंग एट ऑल. जस्ट फॉर माय फैमिली. और फिर क्या हुआ वंदेवा अलोन? हॉट हीटेड आर्गुमेंट. एक ने इसको अगली बोला, दूसरे ने इसको मोटा बोला, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं हुआ. बस नथिंग रोमांटिक. टाइम वेस्ट कंप्लीट. टाइम वेस्ट हुआ उनका. पता है शिवी, पत्थर में से आग निकालने के लिए उससे पहले एक दूसरे से पीटना पड़ता है. व्हाट डज दैट इवन मीन? तू रहने दे. योर ओनली बॉडी नो ब्रेन्स. तेरे बस की बात नहीं है. तू जा, जाके डंबल्स उठा अपने. ओए पता ना. There's a divorce notice. Palak Sharma ko bhej. Sure, we do. Thanks. Sir, please rehne dijiye. Kar lungi main manage. Chup kar. Raat bhar daru piti ho, baad mein sar bhari. Tum modern ladki abhi na, kuch zyada hi modern ho gayi ho. Ladkon se zyada sharab piti ho, aur phir baad mein sambhalna mushkil ho jata hai. Nahi, wo मैंने नहीं. अरे रहने दे पुत्र, पंजाबी बच्चों का बाप हूँ. बड़े बड़े हैंगओवर उतारे हैं मैंने. I'm a pro at this. मैंने सुना था कि विजयपथ तुम बड़े खड़ूस हो, पर आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे हैं. बाहर से टफ और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट. खड़ूस हाँ. You know what? I actually like that reputation. I think it suits my personality. कुछ आराम मिला? बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच. Coffee? Yeah, why not? Thank you. आप अपनी डॉटर को लेके वारिड हैं. मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा घर बिखर रहा है बेटा. मैंने रीवा को राजकुमारियों की तरह पाला था, और अब आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? ये तो मेरे बच्चे जैसे. बोलो बोलो. आई वोंट फील बैड. वो आपकी डॉटर इस मैरिज में खुश नहीं है क्या? आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई. आप शुगर लेंगे? सब जानते हैं, तुम भी जान लो. शिवम, I need your help. हाँ भाभी, बोलिए ना. अरे पहले पूरी बात तो बता, क्या कहा अंकल ने? उन्होंने मेरे साथ वो शेयर किया है जो I don't think रीवा भी जानती है. मैंने रीवा को फूलों की तरह पाला था. She was daddy's little princess, you know. फिर उसे एक लड़का मिल गया. He is a bloody gold digger. उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई. शादी से पहले जब उसे पता चला कि रीवा is pregnant, उसके तो होश उड़ गए. वो एक बच्चे की जिम्मेदारी से बंधना नहीं चाहता था. हमारे परिवार से जितने पैसे ऐड सकता था ऐड के भाग गया. एंड यू नो व्हाट, रीवा एक्चुअली ब्लेम्ड मी फॉर दिस. उसे लगा कि ये सब मेरी वजह से हुआ है. इस दुनिया में कौन सा ऐसा बाप है जो अपनी बेटी का बुरा चाहेगा? फिर अमन ने रीवा का हाथ थामा, उसने उसे संभाला.
Despite knowing that she's pregnant, he agreed to marry her. I was so happy with this decision. Lekin Reeva never forgave me for this. Aur mujhe saza dene ke liye, wo ab Aman ko chhodna chahti hai. Ek aise ladke ko chhodna chahti hai, jisne usse sahara diya. Uske bachche ko apna naam diya. मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा घर टूट रहा है और मैं बेबस लाचार बस खड़ा देख रहा हूं। ये सब कुछ हुआ उस मनहूस की वजह से। वो यही समझते हैं कि अंगद सिर्फ पैसों के लिए रीवा के साथ था। हे भगवान, और शिवम, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम क्या है यार? सबको गोल्डी का बोलते हो। शादियां तोड़वाना हॉबी है क्या तुम्हारी? आई मीन सीरियसली, थैंक गॉड ऋषभ की निभ गई। वैसे मुझे तो रीवा ही सही लग रही है यार। खुद झूठ नहीं बोल रहे। तू पागल है? उनका भरोसा मत कर, नहीं तो एक दिन तू खुद को ही गोल्डी का बोलने लग जाएगी। रीवा का फोन है। आई प्रॉमिस्ड कि मैं उसकी हेल्प करूंगी यार। उसकी मदद या फिर ऋत्विक की? रीवा की, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक है, देख ले खोल के। अंगद का नंबर है। तू तो बड़ी सही रिपोर्टर है यार। I know baby. देख, I don't know all of this, but मेरी सिस्टर की वेडिंग एनिवर्सरी, एक्सपेंस की टेंशन मत लेना, but I want the best part. Don't worry sir, इतने बड़े बड़े इवेंट्स कराए हैं, आप हम पर ट्रस्ट करिए। आप डिजाइन देखिए, मैं लोकेशन देख के आता हूँ। Sure. जी भाई। लिखी, तो इतना सब कुछ कर रहा है, तुझे लगता है कि रीवा आपकी वेडिंग एनिवर्सरी पे खुद आएगी? उसे आना पड़ेगा तारे। मैं हूं ना, हमारे फैमिली को टूटने बिखरने नहीं दूंगा मैं। सो अपने पापा के बारे में कुछ बताओ ना मुझे। हमारी मम्मा ही हमारे डैडी है। वो तो कहने की बात होती है। आई मीन यू गर्ल्स आर बिग नाउ राइट? तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे पापा कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, है भी कि नहीं कि छोड़ के चले गए कि यू नो, यू शुड नो। डान डान पार्टी टाइम। मम्मा, व्हाट इज दिस? मैं तुम्हें कब से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट यू डोंट बॉदर। आई जस्ट फील व्हाटएवर यू सेड टू मी वाज अ लाई। तो मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो बोल दो ना यार पलक। हेलो, हाय रीवा। तुम ही हो ना? ऑफ कोर्स, इट्स मी। कहाँ थे? इतने साल निकल गए, मुझसे पूछा भी नहीं वेयर आई एम, नॉट इवन बॉदर्ड। क्या कहता यार? उस वक्त आई वाज गिवन नो चॉइस, बट लिसन, वी शुड टॉक। मिलोगी मुझसे? ऑफ कोर्स। किंग्स कैफे। I'll see you at 5. तुमने नंबर दिया? That's what you wanted, right? You can make everything right now. Thank you so much, Palak. Gia, दिया ये एनवेलप कहाँ से है? कोई अंकल लेके गए थे। अच्छा सुनो, आज ना मेरी नाइट ड्यूटी है, तो प्रगति दी आप लोग का ध्यान रखेगी, तो उनको प्लीज परेशान मत करना और टीवी ज्यादा मत देखना और ब्रश करके। ओके? क्या हुआ? अरे यार, रिकी भाई ने पलक भाभी को डिवोर्स का नोटिस भेजा है, इट्स ऑल ओवर नाउ। हाँ लेकिन पलक भाभी रीवा की हेल्प कर तो रही है, भाई को ये दिखेगा, he will like it for sure. कैसे दिखेगा यार, तू कुछ भी बोलता है कभी कभी। नो, आई विल हैव दिस। तो डाइटिंग पे ना? डाइटिंग में चिप्स कौन खाता है? मेरा क्या प्रॉब्लम है अगर मैं डाइटिंग पे हूँ? मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ले, तेरा सैलेड आ गया, खा ले। ये मेरा सैलेड नहीं है। ये ऋत्विक सर का है, उन्होंने कहा आज से वो सलाद ही खाएंगे। देखा, ऋत्विक भाई ऑन डाइट जस्ट बिकॉज़ भाभी कॉल्ड हिम मोटा। डफर, ही इज गिविंग भाभी अ डिवोर्स, डू समथिंग अबाउट इट, कुछ सोच, प्लान बना।